अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का प्रोग्राम दूर का बन रहा है जी। दूर से मतलब कि आज पिकनिक डे है हमारा। आज मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। वो सारी फैमिली है तो वो कह रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं। वो आज का जो प्रोग्राम है वो है, हम जा रहे हैं ब्लैक पूल। सो ब्लैक पूल इज द बेस्ट प्लेस। आप साथ रहिए और इंजॉय करिए आप। सो लेट्स गो। तो मैं घर से बाहर आ गया हूँ जी। एक गाड़ी ये है ऑडी A3 है और एक मेरी वाली वो माइक्रा है, निसान माइक्रा। और एक और गाड़ी होगी अंकल की, वो अभी तक पहुंचे नहीं, अभी उनका हम वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है। मौसम आज चेक कर सकते हैं, फुल धूप नहीं है लेकिन ये है कि टेम्परेचर ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है और बादल थोड़े थोड़े से हैं। इस जगह पे ज़्यादा हैं बादल, ये इधर तो जो है ना इधर कम है जी। और बाकी सबको मुबारक हो जी 14 अगस्त की। आज के दिन पाकिस्तान बना था तो मेरे जो सब देखने वाले हैं उनको 14 अगस्त मुबारक हो जी। तीसरी गाड़ी भी आ चुकी है जी हमारी जी। बस अभी निकलने लगे हैं, सारा सिस्टम हो गया जी। बाकी दो गाड़ी निकल गई हैं और मैं अभी निकलने लगा हूँ। ये जीप देख के मुझे तो शाहरुख खान की फिल्म याद आ गई है। फाइनली जी हम ब्लैक पूल पहुँच आए हैं। गाड़ी की पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली लेकिन मिल गई आखिरकार। और यहाँ पर पार्किंग तो मिल ही नहीं रही थी। मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे मुझे पार्किंग ढूंढने में लेकिन ये आके फाइनली मुझे पार्किंग मिल गई है। और ये मेरे पीछे पार्क है, रोलर कोस्टर। ये तो बड़ी मशहूर है, आपने सुना होगा। और माशाल्लाह इसकी तो बात ही क्या है। बीच में चलते हैं, उसको सही करके एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं सही। ड्रोन शायद का पता नहीं है, बहुत ज़्यादा रश है। बहुत ज़्यादा रश की वजह से ड्रोन इधर मन आया, लेकिन मैं देखता हूँ अगर कोई जगह खाली होगी तो मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ से कुछ शॉट बनाऊँ, क्योंकि शॉट बड़े मज़े के बनते हैं ड्रोन के। और ब्लैक पूल और ड्रोन के शॉट ना बने थोड़ा सा अधूरा रह जाता है काम। क्या ख्याल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फैमिली भी पहुंच रही है, कुछ पहुंच रही है, कुछ आ रही है फैमिली पीछे। सो आज माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि पार्किंग ढूंढना यहाँ पर इतना मुश्किल काम है कि जो जो यहाँ पे आया है उसको पता ही है इन दिनों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो ये बड़ा रीज़न है कि पार्किंग ना मिलने का। ये है जी ब्लैक पूल की जो सी साइड पर रोड है, ये वो वाली है। और ये साथ में पार्किंग है इनकी, लेकिन यहाँ पे मिलना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग मिलना मुश्किल है। मैंने गाड़ी पार्क की है जी वो पीछे। ये वाटर पार्क है जी, यहाँ पर स्लाइडें लगी हुई हैं सारी स्विमिंग के लिए, आप कर सकते हैं जैसे कैसे भी। इस पार्क का नाम जी ब्लैक पूल प्लेयर बीच है जी। ये रोलर कोस्टर हैं और अमेजिंग किस्म की राइड है। यहाँ पर जाने के लिए आपको 50 पाउंड एक बंदे के देने पड़ते हैं। ये है जी कैसीनो बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप अपने पैसे लगाएं, या ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, आप कर सकते हैं जो भी। ये देख लें एवरी सारे रेस्टोरेंट जो हैं फुल हैं और स्टिल गाड़ियां रुकी हुई हैं, जाम है। तो अब मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो है ब्लैक पूल में 3 साल के बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसको कहते हैं ब्लैक पूल एयर शो। सो ये 3 साल बाद अब दोबारा शुरू हुआ है और मैं तो वैसे घूमने के लिए गया लेकिन आगे वहाँ पर प्रोग्राम शुरू था और मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आप इंजॉय कीजिए। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट शो कर रहे हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
चले आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि बड़ा ही रौनक मेला लगा हुआ है और लोग ही लोग हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंजॉय करें आप। यहाँ की फ़िश बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसकी वजह से अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे फ़िश खाएंगे, लेकिन अभी हमने ढूंढनी है कि कौन सी जो सबसे मज़े की फ़िश वाली जगह हो वहाँ पे जाएं। अभी देखते हैं, पार्किंग ना मिलने की वजह से तकरीबन 3-4 घंटे लग गए हैं सबको इकट्ठे होने में। हम अभी आ गए हैं जी, अंकल भी आ गए हैं और अभी इंजॉय हो रहा है। इंजॉय कर रहे हो आप? हाँ जी। बड़ी मुश्किल से हमने आखिरकार टेबल ढूंढ लिया है। फिश की एक मशहूर जगह थी, इसका नाम है पॉपुलर्स, बड़ी मशहूर है, रिव्यू वगैरह देखे हैं इंटरनेट पर, तो आखिरकार हम इधर आ गए। फैमिली ज़्यादा बड़ी होने की वजह से जो है ना टेबल भी हमें मुश्किल से मिला है, लेकिन यह कि आखिरकार मिल गया। अभी बस ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं, भाई हमारा इधर है वो ऑर्डर कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कब तक मिलती है। सो आप स्टिल साथ रहिए और इंजॉय करिए ये वीडियो। क्यों आप चेक कर सकते हैं इतना लंबा क्यों लगा हुआ है, फिर लग रहा कि स्पेशल है जी, पब्लो स्पेशल। हाँ जी, तो मैंने खाना खा लिया है जी, फिश बड़ी मज़े की थी और साथ में फ्राइज थे, बस फिश एंड चिप्स यहाँ की जो मशहूर है। अभी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही माहौल है जी, देखने माहौल अभी तक स्टिल चल रहा है। बहुत सारी ये रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन यह कि स्टिल यहाँ पर जो है ना रौनक मेला अभी तक स्टिल लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Me up, so ending.